हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो मेकअप लुक लेकर आई हूँ वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना एंड कमेंट डाउन करके बताना मुझे कि कैसा लगा आपको ये लुक। सो चलिए करते हैं इस मेकअप लुक को क्रिएट। तो सबसे पहले मैंने फेस को कर दिया है क्लीन ताकि जो भी डर्ट पोल्यूशन है वो सारा हो जाए रिमूव। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा होने वाला है गुड वाइब्स का फेस टोनर। फेस टोनर की अच्छे से एप्लीकेशन कर दी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट मैंने प्रोडक्ट जो यूज़ किया है वो है मामा अर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। जैसे कि आपको बताया कि मॉइस्चराइजर का यूज़ समर में भी किया जाता है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गुड वाइफ्स का फेस सीरम जो कि हमारे फेस के लिए बहुत ही बेनिफिट देता है। तो फेस सीरम यूज़ कर सकते हो आप। और अभी मैंने यूज़ कर दिया है प्राइमर। तो प्राइमर आपको ज़रूर से लगाना है क्योंकि प्राइमर आपके फेस के बेस को फ्लॉलेस बनाएगा, बहुत ही स्मूथ बनाएगा, टेक्स्चर फ्री बनाएगा उसको। सो मेरे व्यूवर्स को पता होगा कि मैं सबसे पहले आई मेकअप ही करती हूँ, बेस नहीं बनाती। तो यस, मैं सबसे पहले करूँगी आई मेकअप, जिसके लिए मैंने अपनी आईब्रोज को कर लिया है फिल। सो ये बहुत ही आपको सटल सा लुक लगेगा, आप आगे देखेगा इसे पूरा कंप्लीट लुक। सो आई मेकअप को बहुत अच्छे से दिखाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए और विंग अच्छा देने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं टेप। सो मैंने बहुत ज़्यादा बड़े टेप का यूज़ कर दिया है, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करना, हो जाता है कभी कभी। बाकी आपको टेप छोटा ही यूज़ करना है वैसे तो। सो यार चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो मैंने इस पुली से जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था आईब्रोज से वो रिमूव कर दिया था और कंसीलर से मैंने शेप दे दी है, आई बेस बना दिया और अच्छे से उसको ब्लेंड कर देना है मैंने। तो या अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो JS Makeover एंड जानवी सारस्वत के नाम से मेरी ID है Instagram पे, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकती हो। तो आई मेकअप स्टार्ट करने में जो फर्स्ट कलर यूज़ किया है वो मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट से डार्क ब्राउन शेड और उसको अच्छे से मैंने क्रीज पर ब्लेंड कर लिया है दोनों आईज़ पर। और अगर आपको सच में आई की बहुत अच्छी सी शेप चाहिए तो बिल्कुल आपको टेप का यूज़ ज़रूर करना है और टेप का यूज़ भी आपको बहुत ध्यान से करना है, कोई ऊपर नीचे ना हो जाए जिससे आपका आई मेकअप ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। सो नेक्स्ट कलर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है पिंक कलर जो कि मैंने एक बहुत छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश से यूज़ किया है ताकि वो मेरी क्रीज पर ही ब्लेंड हो, ऑल ओवर आईलिड पर अप्लाई ना हो। तो आपका जो कलर है क्रीज के लिए जो यूज़ कर रहे हो वो आपकी क्रीज पर ही अप्लाई होना चाहिए। नेक्स्ट कलर है पर्पल कलर जो कि मैंने एक एप्लीकेटर ब्रश में लिया है और उसको मैं ओनली क्रीज पर ही ब्लेंड कर रही हूँ। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये टेक्निक आपको बहुत ध्यान से करनी होगी क्योंकि इसके ख़राब होते ही पूरा आई मेकअप ख़राब हो सकता है, आपका कलर जो है इन्हेंस होकर नहीं आते हैं। तो या इस टेक्निक की आपको बहुत ज़्यादा करनी है प्रैक्टिस। तो यहाँ पर मैंने क्रीज कट कर ली है दोनों आईज में, फुल कट क्रीज कर दिया है मैंने इसको, और जो कंसीलर से आपने क्रीज कट की है वो इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर कलर जो मैंने लिया है वो लिया है ब्लैक कलर जो कि मैंने हुडा ब्यूटी के आई शेडो पैलेट से लिया है। इसको मैं आई के 1/3 एरिया पर ही अप्लाई करूँगी एंड अपनी जो लाइनर लाइन होती है उस पर यूज़ करना है पूरा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि डबल कट क्रीज में क्रीज जो होती हैं वो दो होती हैं। सो ऊपर वाली क्रीज की नीचे वाली जो क्रीज होती है उसे हमें कलर नहीं करना होता, उसमें हम कोई भी वाइट लाइनर या फिर कोई भी ग्लिटर लगा देते हैं, जैसे कि मैंने गोल्डन ग्लिटर का यूज़ किया है। सो आई बॉल से इनर आई कॉर्नर पर जो मैंने कलर यूज़ किया है वो है एक सिल्वर शेड जो कि है शिमर में, और यहाँ पर मैंने फिर एक विंग लाइनर दे दिया है आईज़ पर। तो चलिए इतना ही आई मेकअप इनफ है, उसके बाद में जो लोअर आई का मेकअप है हम वो करेंगे बेस करने के बाद में। तो बेस के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने डर्मा की पैलेट ली है HD वाली और उससे जो भी इनके फेस के डार्क एरिया थे जहाँ पर ब्लेमिश वगैरह थी, डार्क सर्कल थे या स्पॉट थे, वहाँ पर मैंने थोड़ी सी इनकी स्किन टोन से डार्क शेड का यूज़ किया है। और जो भी इनके फेस पे थोड़े बहुत तिल वगैरह थे तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर करेक्शन का यूज़ किया है जो कि है इनसाइड कॉस्मेटिक्स की पैलेट से। तो आज का जो बेस है बहुत ही सटल सा होगा, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगा क्योंकि ये डे का मेकअप है, तो मैं ज़्यादा हाई कवरेज नहीं दूंगी इसमें, मीडियम कवरेज रखूंगी। तो फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फिटमी का फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन मेरा बहुत ही फेवरेट फाउंडेशन है क्योंकि ये समर के लिए बहुत ही बेस्ट है और आपकी जो कवरेज है वो मीडियम देता है, तो एक सटल सा लुक आपका आ जाता है ईजीली। सो या फाउंडेशन को अच्छे से कर लूँगी ब्लेंड। ये ब्लेंड करने में भी सीरियसली बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। सो यहाँ पर अब मैं करने वाली हूँ कॉन्टोरिंग जो कि मेरा फेवरेट पार्ट में से एक है मेकअप का। हाँ, क्योंकि कॉन्टोरिंग से जो हमारे फेस के फीचर होते हैं बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाते हैं एंड जो मेकअप है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है क्योंकि फेस में जो सारा चेंज है वो मोस्टली कॉन्टोरिंग से ही आता है।
बट यस, मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जिन्हें कॉन्टोरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती. ओ गॉड, आई डोंट नो वाई, बट यस, मुझे कॉन्टोरिंग सीरियसली बहुत पसंद है, क्योंकि ये आपके फेस में जितने भी चेंजेस होते हैं ना, कॉन्टोरिंग की वजह से ही होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं. और कॉन्टोरिंग अच्छी होगी या बुरी, ये होता है आपकी ब्लेंडिंग पर डिपेंड. सो यस, आपको कॉन्टोरिंग ब्लेंड करने की टेक्निक बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये रॉन्ग डायरेक्शन में कर दी तो ये आपके फेस के फीचर को निखारने की बजाय उसके अपोजिट इफेक्ट डालेगी. तो आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, बहुत ध्यान से करना है, इसकी टेक्निक आपको आनी ही चाहिए. और कंसीलिंग के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर. तो कंसीलर, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपकी स्किन टोन का नहीं होना चाहिए, उससे एक या दो शेड ज़्यादा का होना चाहिए, ताकि वो आपके फेस को अच्छे से हाईलाइट कर सके. कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग हर फेस पे अलग अलग तरीके से होती है, क्योंकि फेस की अलग अलग शेप होती है, तो हमें पहले फेस की शेप देखनी होती है किस तरीके की है, उसी हिसाब से हमें वर्क करना होता है. जैसे कि हम आईलिड देखकर आई मेकअप करते हैं, ठीक उसी तरीके से फेस देखकर हम कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइट करते हैं फेस को. सो जब तक मैं यहाँ पर कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है. तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. बट यस, जब आपको ये मेकअप अच्छा लग रहा हो तभी, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हो, मत करना. बट सो नेक्स्ट स्टेप जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो है फेसिस कनाडा का कॉम्पैक्ट पाउडर, जिसको मैं एक पफिंग ब्रश से अच्छे से यूज़ कर रही हूँ. और जहाँ पर हमने कंसीलर का यूज़ किया था वहाँ बहुत अच्छे से करना है, बट कॉन्टोरिंग वाली जगह पर आपको यूज़ नहीं करना है इसको, वरना आपकी कॉन्टोरिंग हाइड हो जाएगी. तो ब्लशर यूज़ करूँगी अब मैं यहाँ पर. तो ब्लशर के लिए भी मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी की ब्लशर पैलेट ली है, जिसमें दो हाइलाइटर भी आते हैं. सो या, मैंने यहाँ पर ब्लश कर दिया है अच्छे से फेस पर. और अब मैंने जो लिया है वो है मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर. ये हाइलाइटर सचमुच बहुत ही अच्छा हाइलाइटर लगा मुझे अब तक का, क्योंकि इसका जो टेक्स्चर है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, और एप्लीकेशन भी बहुत अच्छे से हो जाती है इसकी. सो हाइलाइटर का यूज़ भी आपने डे और नाइट के हिसाब से करना होता है. ऐसा नहीं है आपने डे में बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया एंड फिर आप सनलाइट में जाओ. आप इमेजिन कर सकते हो आप कैसे लगोगे, आई मीन चमक बिल्कुल चमकीले से. सो नेक्स्ट जो हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है ब्रो बोन पर और इनर आई कॉर्नर पर, वो है मेकअप रेवोल्यूशन का सिल्वर शेड का हाइलाइटर. तो अभी हमारी लोअर आई का मेकअप रह गया था, जिसको अब हम अब कंप्लीट करेंगे. तो इसके लिए मैंने मेवलिन का ही जेल लाइनर लिया है, उसको मैंने वाटरलाइन के पास पास से यूज़ कर दिया है. तो आपने बहुत अच्छे से इसको बहुत आराम से एप्लीकेशन करनी है इसकी, और उसके बाद में आपको एक स्मोकी सा इफेक्ट देने के लिए, अपनी आईज़ को बड़ा दिखाने के लिए, एक ब्राउन शेड के साथ में स्मज कर देना है. मैंने इसे ब्राउन शेड के साथ में, फिर उसके बाद में पिंक शेड के साथ में स्मज कर दिया था, जिससे मेरी आई अलग ही इन्हेंस होने लगी थी. सो यू कैन सी. और यहाँ पर मस्कारा मैंने यूज़ किया है मेबलिन का ही. सो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना इस लुक में आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आगे और अच्छा अच्छा करूँ. सो नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने आईलैश इनको वियर करा दी थी, और यहाँ पर मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर लिया है. और पहले भी मैंने इनके लिप पर लिप कॉन्टोरिंग किया था, बट इनका लिप बहुत ही पतला था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ब्राउन शेड का भी यूज़ किया लिप लाइनर का. और स्विस ब्यूटी की जो लिपस्टिक पैलेट है उसमें से मैं यहाँ पर मैजेंटा कलर लेकर एप्लीकेशन करूँगी इसकी. एंड यस, आप अपने लिप्स के कलर को डिसेंट दिखाने के लिए अलग अलग कलर की मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो, मिक्सिंग करके अलग अलग लिपस्टिक को बना सकते हो. और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर जो लिक्विड लिपस्टिक ली है वो है एलिट टीम की. सो अभी आप देखोगे तो इनके पहले वाले लिप में और अभी जो लिप मैंने क्रिएट किया है, तो उसमें बहुत आपको चेंज मिल जाएगा, जो कि कॉन्टोरिंग से ही किया है मैंने. सो यस, इनका यहाँ पर फाइनल लुक हो चुका है कम्प्लीट. हेयर डू मैंने इनका पहले ही कर लिया था. सो इसी लुक के साथ में यहाँ पर हम करते हैं वीडियो को फिनिश. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो जब तक के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा. एंड जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना. एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अभी के लिए बाय बाय.